दोस्तों नमस्कार मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में विद्यार्थियों आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा आठ की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के आठवें पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं को लेकर के इस कविता की रचयिता है कवित्री हैं जया जादवानी यह एक कविता है और इस कविता में बहुत अच्छा संदेश दिया गया है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है दी आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो यह सबसे कठिन समय नहीं जया जादवानी द्वारा लिखित इस पाठ में कवित्री ने यह संदेश बताया है कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहने की कोशिश करती रहनी चाहिए और आगे बढ़ने में जो बाधाएं आती हैं उनको आप अपने परिश्रम से अपने साहस से सकारात्मक ऊर्जा से दूर कर सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अनेक प्रकार के कठिन समय लोगों के सामने आए हैं लोगों ने उन कठिन समय को परास्त किया है और आगे बढ़े हैं तो कवित्री मनुष्य को प्रेरित करती है प्रेरणा देते हुए कहती है नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है अभी भी झरती हुई पत्ती तो कवित्री कहती है कि हे मनुष्य हे मानव अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं आया है जो तुम निराश परास्त हताश हो गए हो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए मन में किसी प्रकार का संकोच का भाव नहीं होना चाहिए जैसे कि अभी एक चिड़िया अपना घोसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ना चाहती है उसके उड़ने भर के विचार से ही उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है उसमें एक साहस है वो उड़ने के लिए तैयार है और इसी प्रकार अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ है, पर अभी भी भीड़ है स्टेशन पर अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक आगे कवित्री कहती है कि इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार है अर्थात जब कोई टूटता है कोई गिरता है तो उसे सहारा भी देने वाला कोई ना कोई होता है तो निराशा का भाव नहीं लाना चाहिए आशा यह है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो यदि तुम लक्ष्य से भटक जाओगे तो गिरती पत्ती को भांति सहारा देने वाला अनुभवी हाथ तुम्हारे साथ खड़ा होगा तुम्हें तो संभल देगा इसलिए डरो मत और सही रास्ते का चुनाव करते हुए प्रयास करते रहो आगे बढ़ते रहो कवित्री आगे कहती है कि जैसे कि रेलगाड़ी निरंतर अपने मार्ग पर चलती रहती है अपने यात्रियों को बैठाती है एक मंजिल पर ले जाती है फिर दूसरे स्थान पर ले जाती है तो इस कारण अभी भी स्टेशन पर भीड़ है और अभी भी एक रेलगाड़ी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कोशिशरत है तैयार खड़ी है जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया आगे कवित्री कहती है कि इस रेलगाड़ी में जाने वालों का वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है अर्थात अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में लोग बेचैन हैं वह कह रहा है कि सूर्य डूबने वाला है इसलिए जल्दी से आ जाओ सूरज डूबने का वक्त हो गया अभी कहा जाता है इसलिए जल्दी से आ जाए अर्थात व्यक्ति के सुख और दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी हैं इसलिए इस वातावरण में निराश होने की आवश्यकता नहीं है हताश होने की आवश्यकता नहीं है साहस से उत्साह से आशा से काम लेने की जरूरत है अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से अभी आती है, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं कवित्री फिर सकारात्मक और उत्साहत्मक ऊर्जा का संचार करते हुए प्रेरणा देते हुए कहती है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व घबराना नहीं चाहिए या अधिक बहुत अधिक विचार नहीं करना चाहिए जो करना चाहता है उसके लिए पूरे जुनून के साथ पूरी प्रेरणा के साथ उसे लग जाना चाहिए बल्कि उस ओर बढ़ते रहने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए उसके लिए कवित्री ने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस की कहानी के उदाहरण देकर बताया है उस कथा का आखिरी हिस्सा भी शेष है जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से हर घर में एक बूढ़ी नानी बूढ़ी का की बूढ़ी दादी होती है जो अक्सर सदियों से कहानियाँ सुनाती है कभी देवताओं की कभी राक्षसों की कभी कोई बस की कभी कोई कहानी बच्चों को प्रेरणा देने के लिए तो कहने का मतलब अभी वो प्रेरणात्मक और ऊर्जात्मक सकारात्मक उत्साह बरकरार रखने वाली कहानियाँ किससे बाकी हैं अतः अभी कठिन समय नहीं है हार नहीं माननी है निराश नहीं होना है नानी अपनी परंपरागत जो कहानियाँ सुनाती हैं वो सारी दुनिया के बच्चों को युगों से अपनी कहानी सुनाती आ रही है उसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा और किस्सा अभी शेष है अतः उसे अभी सुनना है उसका आखिरी हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो तुम परिश्रम कर सकते हो अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस अर्थात यान उस बच्चे उस बचे हुए यात्री का समाचार ला सकता है खबर ला सकता है सकारात्मक रूप से अतः हिम्मत नहीं हारनी है जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर कर रहे हैं आश्रय यह है कि मनुष्य को आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए उसे निराश नहीं होना चाहिए हार नहीं माननी चाहिए इसलिए मनुष्य को सकारात्मक सोचना चाहिए क्योंकि अभी सबसे कठिन समय नहीं आया है अभी वह कठिन समय शेष है हिम्मत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ये जया जादवानी की लिखी हुई कविता आपके समक्ष हमने रखी इसका अर्थ इसका भाव विश्लेषण व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद कैसी लगी हमें जरूर बताएं अच्छी लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके मन में कोई सवाल है कोई जिज्ञासा है कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर के चर्चा करेंगे तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार सुरक्षित रहिए स्वस्थ रहिए